हेलो फ्रेंड, सक्सेस ब्लॉगर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आज हम बात करेंगे UPPCL से रिलेटेड। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि UPPCL का रिक्रूटमेंट फरवरी में हुए थे और इसके लिए FTF गठित की गई थी क्योंकि इसमें धांधली के आरोप लगे थे। FTF ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो मुख्यमंत्री जी को सौंप दी थी, तो उसी से रिलेटेड हमने लास्ट वीडियो भी बनाया था कि इसमें धांधली पाई गई है, 12 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आज हम बात करेंगे इसके एग्ज़ाम से रिलेटेड कि एग्ज़ाम क्या ये कैंसिल होगा या फिर एग्ज़ाम को कैंसिल ना करके कुछ और प्रोसेस निकलेगा, तो आज हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे। देखते हैं इस वीडियो में क्या है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड, जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें चैनल्स के सभी अपडेट्स मिलते रहें। साथ के साथ वो टेलीग्राम से जुड़े, जस्ट आपको t.me/successmiller टाइप करना है, यहाँ से भी आपको चैनल्स के सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे और अदर इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। फ्रेंड, आज के जितने भी वीडियो में इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी वो टोटली न्यूज़पेपर कटिंग बेसिस है, ठीक है। तो जो भी प्रूफ हमें मिले हैं हम आज आपके साथ शेयर करेंगे और उसी से हम बताएंगे आपको कि आगे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और आगे क्या करना है या फिर UPPCL का क्या रिव्यू रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आपको जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में ही आपको UPPCL के 12 लोगों के खिलाफ जो भी हुआ था, ठीक है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी थी कि 12 लोग पकड़े गए हैं, ठीक है। तो इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमने कुछ आपको भारत समाचार ट्विटर्स के थ्रू दे दी थी। आज हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड कि हमें एक न्यूज़पेपर जो आप देख पा रहे हैं, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, ठीक है, एसटीएफ के हाथ लगे अन्य आरोपी के अन्य अहम सुराग, ठीक है, मतलब कि 12 लोग तो जस्ट स्टार्टिंग के वो थे, ठीक है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर साफ साफ लिखा है सभी पदों को ऑनलाइन परीक्षा में हुई थी धांधली। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये वाली बात थी कि जो कैंडिडेट ये कह रहे थे कि ओनली JEE कैंसिल होगा, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि ARO ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है, और जो आपके और भी अदर्स पेपर्स जो उन फरवरी के बीच में रहे थे, स्टेनोग्राफर, ठीक है, जितने भी फरवरी के में एग्ज़ाम्स हुए थे, तो सभी पे तलवार लटकी हुई है। मैं आपको थोड़ा थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ दिया गया है। देखिए फ्रेंड, टोटल UPPCL में 2 लाख कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ है कि STF में सामने आया कि UPPCL के ऑनलाइन परीक्षा में JEE सहित अन्य पदों के लिए करीब 2 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया, सभी पदों की परीक्षा में धांधली हुई, ठीक है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे साफ साफ STF की रिपोर्ट में आ गया है कि सभी पेपरों में धांधली की गई है। जांच में अब तक भले ही कुछ अभ्यर्थियों को नकल कराए जाने के पुख्ता सबूत प्राप्त हुए हैं, लेकिन साथ में यह भी है कि परीक्षा में करीब 2 लाख युवा चले गए हैं, उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है। SSP STF अभिषेक सिंह ने बताया कि अन्य आरोपियों के बारे में अहम सुराग मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको साबित हो रहा है एक तरह से कि इसमें पेपर में धांधली हुई है। UPPCL की ऑनलाइन परीक्षा में कुल 7 पदों के लिए अभ्यर्थी आए हैं, जिसमें ARO के 66 पदों के लिए 31,175, APS के लिए 10 पदों के लिए 3,377, ठीक है, SP डिपार्टमेंट के लिए APS डिपार्टमेंट के 4 पदों के लिए 78, स्टेनो के लिए 273 पदों के लिए 8,363, JEE के 226 पदों के लिए 25,689 व अन्य पदों के लिए 1,94,166 अभ्यर्थियों ने 8 से 23 फरवरी के मध्य दिया एग्ज़ाम दिया। तो आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन ये भी मिल जा रही है कि किस कितने कैंडिडेट्स ने कितने कितने एग्ज़ाम दिए। STF की जांच में अब मुख्यतः इस बात पर केंद्रित है कि आखिर पेपर किस तरह से लीक हुआ है। उल्लेखनीय है कि STF 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर इस बड़े मामले का राजफाश किया है, जिसके बाद परीक्षा संचालित कराने वाली संस्था APTEC की भूमिका पे भी सवाल किए गए हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड, कोई भी एग्ज़ाम्स होता है तो वहाँ पे अगर 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 200 क्वेश्चन के लिए कम से कम 400 से 600 क्वेश्चन रखे जाते हैं और उसके बाद चॉइस करके वो 200 क्वेश्चन निकाले गए हैं। लेकिन APTEC ने ऐसा नहीं किया, उसने वही 200 क्वेश्चन रखे और फिर उन्हीं 200 क्वेश्चन को पेपर बना के तैयार कर दिया, जबकि ये एड सडन होता है, ठीक है। तो इसलिए APTEC की जो भी प्रोसेस है ये इस पर भी सवाल उठे हैं। यहाँ से आप देख पाएंगे यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि WhatsApp से भी मिले जांच एजेंसी को पुख्ता साक्ष्य, 5 साल से ऑनलाइन परीक्षा करा रहा है, ठीक है, एक डॉक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ यहाँ से अनुभव हो गया होगा। थोड़ा सा और बताते हैं, ठीक है, नेक्स्ट भी इसी तरीके से मिलता है हमें।
देखिए फ्रेंड, ये 12 लोगों से रिलेटेड था, ठीक है, कि उनसे क्या क्या मिला है। तो आप इसको अगर पढ़ना चाहें, ठीक है, तो आप वीडियो को जस्ट पॉज कीजिए और पूरी रिपोर्ट को आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को पॉज करने के बाद आपको ये पूरी समझ में आ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि जांच में आखिर SIT ने क्या क्या किया, उसकी क्या मेहनत रंग लाई। शासन के निर्देश पर STF की SSP विशाल विक्रम सिंह ने नेतृत्व में SIT में शामिल, ठीक है, SIT गठित की गई थी। कॉरपोरेशन की परीक्षा संचालित कराने वाले एजेंसी APTEX से प्रश्न परीक्षा का पूर्ण विवरण हासिल कर अपनी पड़ताल शुरू कर दी। SIT ने 26,000 अभ्यर्थियों के डेटा का विश्लेषण किया, जिसमें दो तरीकों से परीक्षा में सेंध लगाए जाने की बात सामने आई। पेपर लीक करने अभ्यर्थी को 11 फरवरी की दूसरी पाली में होने वाली परीक्षा की पूरी तैयारी पहले ही करा दी गई थी। इसके अलावा परीक्षा केंद्र संचालकों व टेक्नीशियंस से साठगांठ कर, ठीक है, तो जो भी पेपर आपके सॉल्वर बैठे थे या फिर जो भी आपका इसमें जो टीम व्यूअर या ME सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता था, तो उसके लिए जो वहाँ के कॉलेज के संचालक और जो टेक्नीशियंस होते थे उन पर फोकस जरूर किया जाता था। क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर जब वर्क होता है तो आपकी जो सिस्टम है, जो कैंडिडेट का सिस्टम है या फिर कैंडिडेट की अटेंडेंस सीट है, तो वहाँ पे सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो इन सभी से पूरा संचालक थे, जो टेक्नीशियंस थे उनका भी हाथ मिले हुए थे इन सभी चीज़ों से। तो इससे भी इन्हें प्रूफ मिला कि UPPCL में धांधली हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ दिखाते हैं कि STF को कैसे पकड़ में आया। देखिए मैम, यहाँ पे देख पाएंगे 3 घंटे का पेपर 1 घंटे में करके फंस गए, ठीक है। मतलब कि एक तरह से उन्होंने STF ने हालांकि ये शो भी कर दिया, लेकिन जो नेक्स्ट धांधलीबाज होंगे उनके लिए ये गुड न्यूज़ हो गई, क्योंकि आइंदा से वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि उन्हें करना क्या है, किस तरीके से पेपर धांधलीबाजी करनी है। तो ठीक है, तो इधर यहाँ पे देख लीजिए, आपको देखना है, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो को जस्ट पॉज करके आप इसको आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको जो मुख्य है वो आपको बताया था। अक्टूबर 2017 में पावर कॉर्पोरेशन में JEE इलेक्ट्रिकल की 226 पदों की भर्ती निकली थी। 11 फरवरी 2018 को इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा हुई। इसके आंसर को सोशल मीडिया और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हो गई। 6 अभ्यर्थियों के ने इस संबंध में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के यहाँ शिकायत की। ऊर्जा मंत्री ने इसकी जानकारी CM योगी आदित्यनाथ ने को दी। CM ने मामले की जांच STF को कराने के निर्देश दिए। देखिए फ्रेंड, दो चीज़ होती है, एक होता है कि जब मुख्यमंत्री जी जब जांच कराते हैं, ठीक है, एक तो उसके थ्रू होती है, ठीक है, जो मुख्यमंत्री जी कराते हैं CM के थ्रू, और एक होती है आपके विभागीय। देख, विभागीय जांच जो होती है उसमें क्या होता है कि कैंडिडेट्स जो पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ एक्शंस होता है, और उसके बाद चांसेस रहते हैं कि वो वैकेंसीज आपके, मतलब कि जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो बहाल रहते हैं और वो उसी तरीके से प्रोसेस में चलते हैं। जबकि CM की जो जांच होती है उसमें बड़े कड़े एक्शंस होते हैं, डैट मीन्स कि पेपर को री एग्ज़ाम कराया जा सकता है, ठीक है। हालांकि कुछ कैंडिडेट्स के कल मेरे पास काफ़ी कमेंट्स थे, लेकिन सॉरी फॉर डैट कि मैं उनका आंसर नहीं दे पाया। उसका मेन रीज़न यही था कि मैं पुख्ता प्रूफ नहीं थे मेरे पास कि मैं आपको जस्ट ये कह सकूँ कि पेपर कैंसिल हो जाएगा या फिर नहीं होगा। आज मेरे जो पुख्ता प्रूफ मिले हैं वो आज आपको मैं आपको शो करके दिखा रहा हूँ कि मुझे क्या क्या प्रूफ मिले हैं, और आपको भी जानना चाहिए कि पेपर कैंसिल हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो मैंने वीडियो की एक पेपर की कटिंग थी उसे एक वीडियो आपके जो थंबनेल है उसमें शो कर दिया था, जिससे कि आप लोग समझ पाएँ कि क्या क्या प्रूफ मिले हैं। नेक्स्ट प्रूफ में देखेंगे APTEX की ऑनलाइन परीक्षा में खामियां, बाकी परीक्षाएं भी संदेह के घेरे में, ठीक है। तो ये जितनी भी थी न्यूज़ वो कल तक की न्यूज़ थी, ठीक है। तो ये सारी की सारी आप पढ़ना चाहें इजीली पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। और मैंने सारे के सारे जितने भी पुख्ता प्रूफ मुझे मिले सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, जिससे कि आप भी देख पाएंगे कि जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे दो के साथ UPPCL की ओर से आयोजित जूनियर इंजीनियर और इन प्रश्न परीक्षा का पेपर भी आउट किया गया, पकड़े गए कुछ अभ्यर्थियों ने माना है ये, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ना चाहें इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि पेपर वाकई में कैंसिल होना है, आखिर STF की क्या रिपोर्ट रही। ये देखिए यहाँ पे फ्रेंड, ये भी पेपर की न्यूज़ कटिंग है, ठीक है, तो आप इसको भी देख पाएंगे। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है UPPCL भर्ती परीक्षा निरस्त होगी, ठीक है। अब आपको ये पढ़ना है, देखना है कि क्या किस किस की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 2849, ठीक है, पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा निरस्त होगी, ठीक है। SSP STF अभिषेक सिंह ने बताया कि UPPCL में JEE समय, ठीक है, 7 अलग अलग पदों के लिए 8 फरवरी से 23 फरवरी के बीच कई परीक्षाएं हुई थी। इन सभी परीक्षाओं में पेपर लीक की बात सामने आ रही है, इसलिए STF
इन्हें निरस्त करने के लिए पत्र भेज रही है। ठीक है, मतलब कि अब सीएम तक पत्र जा रहे हैं एसटीएफ के थ्रू कि भैया ये पेपर धांधलीबाजी हुई है प्रॉपर, आप इन पेपर्स को कैंसिल करो, ठीक है, री एग्ज़ाम प्रोसेस को शुरू करो। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस जा रही है। ठीक है, तो आप इस तरीके से मान सकते हैं कि आप फिर से मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, सॉरी फॉर डैट कि मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आप लोग फिर से री एग्ज़ाम्स के लिए तैयार रहिए। ठीक है, अपनी जितने भी तैयारी कर रहे हैं टाइपिंग की, वो तैयारी भी तैयार करते रहिए और साथ ही साथ कुछ प्रोसेस जो आपकी री एग्ज़ाम्स की है वो तैयार करिए। ठीक है फ्रेंड, तो सॉरी फॉर डैट कि मुझे ये कहना पड़ रहा है, एसटीएफ ने ये बकायदा अपनी रिपोर्ट में दायर किया है और उन्होंने उसे कहते हैं सीएम साहब को भेज दिया है। ठीक है, विभाग के अंदर भी कुछ समय में आ जाएगी और ऑफिशियल भी जल्दी आ जाएगी, लेकिन फिर भी हमें रुकना चाहिए, इस चीज़ का वेट करना चाहिए जब तक ऑफिशियली नहीं आ जाती। ये भी ऑफिशियली है जब पेपर्स में आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लास्ट मैं आपको कटिंग और शो कर दे रहा हूँ। 2849 पदों के लिए हुई थी कई परीक्षाएं, लीक के बाद UPPCL की भर्ती परीक्षा होगी रद्द। ठीक है, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करके भी समझ सकते हैं कि आखिर क्या होना है नेक्स्ट। ठीक है, तो मुझे जो प्रूफ मिले मैंने आपको यहाँ पे शो किए हैं, और आप भी समझदार हैं कि आप इस चीज़ को देख के समझ सकते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। पेपर जहाँ तक है रद्द होंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ों को, जो मुझे प्रूफ मिले मैं इसके प्रूफ के थ्रू आपको बोल रहा हूँ कि ये पेपर कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको UPPCL की जो वेबसाइट है वहाँ पर वेट करना होगा कि UPPCL क्या रिव्यू देता है आपको कि पेपर रद्द होंगे। ठीक है, या फिर पेपर्स के जो कैंडिडेट जो लोग पकड़े गए हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा और बाकी प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन इन चीज़ों का बस सिर्फ और सिर्फ 1% चांस लग रहा है, 99% जो चांस लग रहा है वो रद्द का लग रहा है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि ये केवल ओनली JEE की बात नहीं हो रही है, ये फरवरी में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, ठीक है, फरवरी टाइम पर जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं सबके बारे में बात हो रही है। तो सॉरी फॉर डैट कि आपसे कहना पड़ रहा है कि आप लोग अपनी तैयारी फिर से बनाए रखें, और जितने भी अदर्स एग्ज़ाम्स हैं जैसे रेलवे की बात करें, कल उसकी लास्ट डेट है फॉर्म्स फिलअप की, जिन कैंडिडेट ने ALP, ठीक है, टेक्नीशियंस या फिर आपका सी जो आपका ग्रुप डी की वैकेंसी है, अगर उनको फिलअप नहीं किया है तो प्लीज़ फॉर्म को फिलअप कर लें और उनकी तैयारी में भी लग जाएँ, क्योंकि इस साल वैकेंसीज आएगी लेकिन अभी तक कम है, तो आप उस पर प्रोसेस कीजिए। लास्ट ईयर भी कोई वैकेंसी ज़्यादा नहीं थी, तो आप इस पर फोकस करना शुरू करिए। ओके फ्रेंड, ये थी इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको बताना था। थैंक यू, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेट मिलता है कि हम भी कई जगह से सोर्सेज से ये पता करें कि आखिर होना क्या है। आपको कोई भी क्वेरी हो, आपकी कोई भी समस्या हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। यदि चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी हमारे चैनल्स के वीडियो की लिंक जरूर भेजें, जिससे वो भी देख पाएँ कि आखिर हो क्या रहा है। ओके फ्रेंड, थैंक यू।